जय हिंद दोस्तों, UDCRI में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे MCA T20 सुपर सीरीज़ का, जो आज का फर्स्ट मैच खेला जाएगा, उस मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा आपके WWE मतलब वेस्टर्न वॉरियर्स और सेंट्रल स्मैशर्स के बीच में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जो होंगे हमारी फैंटेसी की टीम में, उसके बारे में ही आपको डिटेल्स में बताया जाएगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मिस कर जाओगे। स्किप मत करना, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको हमारे जो यूज़र्स हैं ना, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन लोगों ने कितना विन किया एक बार आपको दिखा देते हैं। चलिए आपको हमारी यूज़र्स की विनिंग्स एक बार चेक करवा देते हैं। दोस्तों अभी देख लेते हैं हमारे जो यूज़र्स है वो लोगों ने कितना विन किया आज के मैच में। जय श्री राम, आप कमाल हो सर, वो आपकी नॉलेज आउट ऑफ वर्ल्ड है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ लिखते हैं ड्रीम टीम, सर मैंने आज 80,000 विन किया। सर कितना विन किया इन्होंने? 80,000। देखिए और है, फिर ये लिखते हैं सर मैंने आज 18,000 विन किया। 18,000 दोस्तों एक ही मैच में इन्होंने विन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अजय कुमार जी ने क्या लिखा देखिए, एक सेकंड दोस्तों गलती से ओपन हो गया। अजय कुमार जी ने लिखा सर मज़ा आ गया, 70,000 जीत गया। टेलीग्राम वाली टीम ने कहर मचाया है, ये चीज़ याद रखना। फिर हिमानी गर्ग जो है ये लिखते हैं सर मैंने आपकी टीम लगाई थी 35 रैंक आई मेरी 1500 लोगों में, मतलब 1500 लोगों का कॉन्टेस्ट था, इसमें उनकी रैंक 35 आई दोस्तों। तो आप बोलेंगे इतनी कमाल की टीम इन्हें कहाँ मिली? इनको हमारी टीम मिली, हमारी प्राइम टीम मिली टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। तो ये है हमारे टेलीग्राम का लिंक, ये जो आप देख रहे हैं ना आपके सामने, ये जो लिंक है यही है हमारे टेलीग्राम का लिंक दोस्तों। अगर आपको उनकी तरह विन करना है 70,000 रुपये, 80,000, 18,000 रुपये ऐसे विन करना है बाकी लोगों की तरह ग्रैंड लीग में, आपके रैंक टॉप 10 में आना है, तो आप हमारे टीम से खेल सकते हैं। हमारी प्राइम टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी टॉस होने के बाद 10 मिनट पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले आपको हमारी टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये वाला जो लिंक है दोस्तों, ये वाला जो लिंक जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है, आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों की है ये, इस पर डायरेक्टली लेके आएगा, आपको इस पर ज्वाइन हो जाना है। कैसे ज्वाइन होना है? यहाँ जो नीचे आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा होगा ना, ठीक इस जगह पर जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, वहाँ पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? ज्वाइन का बटन, आपको डायरेक्टली हमारे चैनल से इसे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है दोस्तों। तो ये चीज़ आप कर लेना। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको फॉलो करना है, आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए हमने किया हुआ है इस जगह पर जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ दोस्तों, इस जगह पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है दोस्तों। ये सबसे पहले ये कर लो, उसके बाद आपको वीडियो को एक लाइक कर देना है, वीडियो को एक ऐसे एक लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ना है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बात करते हैं अभी इस मैच की। तो दोस्तों इन सारे यूज़र्स की तरह अगर आप भी एक तरफा क्लीन स्वीप करना चाहते हो ना, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है खास। पहले तो आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब करके रखना है। दूसरा आपको हमारे वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, डायरेक्टली टीम मत देखना, पूरा वीडियो हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना। और थर्ड आपको टेलीग्राम से जुड़ना है दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हमारी फाइनल टीम आती है। जो लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको पता है कि टेलीग्राम पर ही हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं। चलिए वीडियो का भी शुरू करते हैं। तो पहले मैच पर चलते हैं, क्रिएट टीम पे जाएंगे,
पहले तो फिल्टर लगाएंगे हम वेस्टर्न वॉरियर्स की टीम के ऊपर। तो एक बार इनका पिछला बैटिंग ऑर्डर चेक कर लेते हैं, ये रहा। तो हमें ओवर सिक्स मतलब नहीं है, हमसे बैटिंग ऑर्डर चेक करें हमें, ठीक है ना। तो ओपनिंग करके कर रहे हैं आप सिद्धार्थ इद्रास के साथ, फिर अनास मलिक, वीरेंद्र सिंह जो टीम का सबसे बड़ी ऑप्शन है कैप्टनसी के, फिर शाबिन सुरेंद्रन कवैत, फिर मोहम्मद इकरम, कुछ इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है। अगर बॉलिंग की बात करें आपके तीन ओवर कर रहे हैं आपके परविंदर सिंह, परविंदीप सिंह, मोहम्मद अकरम ने एक ओवर किया, के हयात ने दो ओवर किया, वीरेंद्र सिंह ने तीन ओवर बॉलिंग किया और मोहम्मद आरास आजमी ने तीन ओवर बॉलिंग किया। तो हमारे टीम में जो प्लेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ से मोहम्मद इद्रास के साथ जाऊँगा दोस्तों। इन दोनों में आप चाहो दोनों को ले सकते हो, पर मैं अभी के लिए मोहम्मद इद्रास के साथ जाऊँगा। मैं वीरेंद्र सिंह के साथ जाऊँगा, कहाँ है वीरेंद्र सिंह, फिर मोहम्मद इद्रास दोस्तों, ये दोनों मेरे टीम में रहेंगे। मोहम्मद इद्रास की बात करिए, मेरे ट्रम्प कार्ड रहेंगे आज के मैच में दोस्तों, मैं इनको अपनी टीम में पक्का रखूँगा। अनास मलिक बॉलिंग कर रहे हैं क्या? अगर अनास मलिक बॉलिंग कर रहे तो हमारे टीम में इनकी भी जगह बन जाएगी। हाँ बोल, मोहम्मद आरास आजमी दोस्तों, तो ये बॉलिंग कर नहीं रहे दोस्तों। एक सेकेंड, इनका पिछला इससे पहला जो मैच था वो एक बार चेक करवा लेते हैं ना आपको। तो इसमें भी आपके परविंदर सिंह चार ओवर बॉलिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो ये तो हमारे टीम में इम्पोर्टेंट बन गए दोस्तों। पवनदीप सिंह दोस्तों कहाँ, ये रहे। उसके बाद के हयात दुरानी की क्या कर रहे हैं दोस्तों, के हयात ये भी चार ओवर बॉलिंग कर रहे हैं आपके, और बैटिंग में इनकी पोजीशन चेक कर लेते के हयात। हाँ बिलाल अहमद भी हमारे टीम में हो सकते के हयात, उसके बाद बिलाल अहमद, इकरम मलिक, ये रहे बिलाल अहमद। ये पिछला मैच हालांकि खेले नहीं थे दोस्तों, पर हमारे टीम में होंगे क्योंकि ये नेक्स्ट मैच खेलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये पांच प्लेयर्स इंपॉर्टेंट बन गए इस टीम से, कौन, बी अहमद, मोहम्मद इद्रास, वीर सिंह, के हयात, पी सिंह, कुछ इस तरह से ये पांच प्लेयर्स हमने ले लिया अपनी टीम में। सिक्स्थ प्लेयर में अगर बात करूँ ना तो आपके पास ऑप्शन है एस सुरेंद्रन का थोड़े दोस्तों, हाँ। उसके बाद आपके ऑप्शन से अनस मलिक का, उसके बाद आपके पास ऑप्शन से मोहम्मद अकरम मलिक का। इन तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हो, किसको लेंगे शायद मैं किसी एक को पिक भी कर लो, तो आगे बताते हैं हम मैं किसको पिक करूँगा। अभी डायरेक्टली चलते सेंट्रल स्मैशर्स की टीम के ऊपर। यहाँ से आपको एक सेकेंड, इनका पिछला बैटिंग ऑर्डर एक बार चेक करवा देते हैं आपको, उसके बाद मैं प्लेयर्स पिक करूँ। मुझे तो पता है मुझे किसको पिक करना है किसको नहीं, पर आपको एक बार चेक करवा देते हैं। ओपनिंग कर रहे आपके मोहम्मद गुलजारन हक हजिक के साथ, फिर एच अनोर, महमूद, हफीज, अन्ना, एक सेकेंड, हाँ अरसलान खान, मोहम्मद आजिर, फिर मोहम्मद अहमहक, नियार अहमद, फिर मोहम्मद आफिक, फिर आकिफ जावेद, कुछ इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें चार चार ओवर कौन कर रहे हैं, चार ओवर कर रहे हैं मोहम्मद गुलजारन, मोहम्मद आफिक ने चार ओवर तीन ओवर एक विकेट लिया, आफिक जगवेद ने तीन ओवर में एक विकेट, नासिर अहमद ने चार ओवर में दो विकेट, मोहम्मद जुबान ने तीन ओवर में चार विकेट और हसन महमूद ने एक ओवर में एक विकेट लिया दोस्तों। हम डायरेक्टली विकेट कीपिंग सेक्टर में से फिर हफीज को डायरेक्टली मिलेंगे, कहाँ उसके बाद हमारे में गुलजारिक और मोहम्मद ऐमान, ये बोल बैटिंग करेंगे। गुलजारिक तो मेरे टीम पक्का होंगे, मोहम्मद ऐमान दोनों मेरे टीम में होंगे, गुलजारिक और मोहम्मद ऐमान दोस्तों, ये रहे दोनों हमारे टीम में पक्का होंगे, जगह बन जाएगी हमारे टीम में क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं और बॉलिंग में भी आपको चार ओवर करते हुए दिख जाएंगे इसलिए। तो यहाँ से हमारे पास एन अहमद का ऑप्शन आता है जो चार ओवर बॉलिंग कर रहे दोस्त, हसन महमूद ने भी एक ओवर बॉलिंग किया, हालांकि हर एक मैच में ही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे नहीं, पर चाहो तो एज ए बैट्समैन इनको पिक कर सकते हो, पर एज ए बॉलिंग आप इनको ड्रॉप करके चलना। तो मैंने इनको ले लिया है, फिर मैंने गुलजारिक को ले लिया है, एन अहमद और आकिब जावेद दोस्तों, ये दोनों आपके लिए एक अच्छी पिक बन जाएंगे। मैं एन अहमद के साथ जाऊंगा दोस्तों, ये मेरे टीम में होंगे, ये मेरे ट्रम्प कार्ड होंगे दोस्तों आज के मैच में, इनको मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, इनको मैं एज ए ट्रम्प कार्ड अपने टीम में पक्का रखूँगा। ऐसे एक खान मलिक,
उसके बाद मतलब अरसलान खान मलिक और हसन महमूद, ये दो आपके लिए सबसे बड़े ऑप्शन है। मैं अरसलान खान मलिक के साथ जाऊंगा। आप चाहो तो इन बाबा से एच महमूद या एम ईमान दोनों के साथ जा सकते हो। मैं एच महमूद को ड्रॉप करके रिस्क लूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे इनसे अगर उम्मीद है ना तो बैटिंग से ही उम्मीद है कुछ करेंगे, बॉलिंग से मुझे उम्मीद है नहीं। तो मैं शायद इनके बदले में ऐसे आकिब जावेद जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो 4 ओवर बॉलिंग करने के साथ चला जाओ, या फिर मैं यहाँ से मैं चला जाऊँ मोहम्मद इकराम मलिक के साथ, इनके साथ भी मैं जा सकता हूँ दोस्तों। तो अभी के लिए मैं मोहम्मद हकीब ईमान या फिर एज अनवर इन दोनों के साथ जाऊँगा, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाऊँगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम पिक कर लेते हैं हसन महमूद को ही दोस्तों। तो इनको अगर पिक कर लिया, हाँ हाँ दोस्तों अभी के लिए इनको पिक कर लिया दोस्तों। तो आप एक बार प्रीव्यू देख लीजिए टीम का, कुछ इस तरह से है। मैंने हफीज़ को पिक किया, फिर बी अहमद, एक खान, इदरास, हसन महमूद, वी सिंह, अजारी, कहयात दुरानी, ईमान, नू एन अहमद और पी सिंह, कुछ इस तरह से मैंने टीम्स पिक कर लिए। बाकी मैं शायद कुछ चेंज करूँगा दोस्तों, लाइनअप अनाउंस होने के बाद मैं शायद कुछ चेंजेस करूँगा। बी अहमद की पिछला मैच खेले नहीं थे, शायद आज का मैच खेलेंगे जितना मुझे लगता है। अगर नहीं खेलेंगे उनको भी चेंज करना पड़ेगा। सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूँगा। टेलीग्राम से अभी आगे तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। बात करें कैप्टनसी की, मेरे कैप्टन वी सिंह होंगे, इनका तो फिक्स है। वाइस कैप्टन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। पहले तो आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद अजहर, ये उसके बाद ईमान, इन दोनों में से किसी को भी आप सी और वी सी बना सकते, क्योंकि दोनों ओपनिंग कर रहे हैं दोस्तों और 4 ओवर दोनों बॉलिंग कर रहे हैं। इन दोनों में से आप किसी को भी साथ जा सकते हो दोस्तों। मैं ईमान को अभी के लिए एज ए वाइस कैप्टन रखता हूँ, पर मैं शायद चेंज करूँगा। मैं शायद यहाँ से एज ए वाइस कैप्टन ना एज ए वाइस कैप्टन में शायद जा जाऊँगा यहाँ से, कहा गया बी अहमद को अगर ये खेलते हैं इनको मैं शायद वाइस कैप्टन बना दूँ, या फिर के हसन, के हयात दुरानी, इन दोनों में से किसी एक को मैं शायद वाइस कैप्टन बना दूँगा। जो भी हो आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा मैं, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, इस वीडियो इतने, धन्यवाद दोस्तों।